Citylive, a platform to sharing your thoughts. साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 25 से 29 नवंबर तक रामबाग पोलो ग्राउंड पर साइकिल पोलो लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें 40 भारतीय और 10 विदेशी खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट की विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उप विजेता को 1 लाख रुपए और लीग की अन्य टीमों को 20,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। हम लोगों ने फेडरेशन से ये तय किया है कि जो इंटरनेशनल लेवल में जो साइकिल पोलो की फर्स्ट लीग हो रही है वो हम जयपुर से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और पोलो के लिए, साइकिल पोलो के लिए यहाँ के रॉयल फैमिली वगैरह सब इस खेल से जुड़ी हुई हैं, लोग भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इसकी शुरुआत 25 नवंबर को इसी राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड से इसकी शुरुआत होगी और 29 नवंबर को इसका फाइनल मैच और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इसी वेन्यू पे होगा। हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं लीग के, मनोज भारद्वाज, ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसको। DPR से, टूरिज्म डिपार्टमेंट से, नगर निगम से वो सारा कर रहे हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ग्रुप कैप्टन दीपक अलूवालिया, वो अभी एयरफोर्स बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और ये उसको उस लेवल पे एयरफोर्स से, आर्मी से जो हमारे को सपोर्ट चाहिए उस लेवल पे वो पूरा इसमें डिस्कस करके इसको। भारत के लिए फख्र की बात है कि पहले इंटरनेशनली हम पहली इंटरनेशनल साइकिल पोलो लीग कर रहे हैं, इंटरनेशनली कर रहे हैं, जिसमें 5 कंट्रीज के खिलाड़ी खेल रहे हैं, इंडिया, इंग्लैंड, जर्मनी, मलेशिया तो एंड दे फ्रांस, दे आर द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उनकी खेल रहे हैं। इंडिया के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभी तक हम 7 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में गए हैं एंड हमने 5 बार उसमें मेडल लिया है एंड 3 बार तो फर्स्ट आए हैं। सो इट गोइंग बी अ वेरी एक्साइटिंग टूर्नामेंट एंड ये टूर्नामेंट 5 टीमों के बीच में खेला जाएगा और हर टीम में कॉम्पोजिशन होगा 4+4, 8 खिलाड़ी जो 4 खेलेंगे और हर टीम में 2 फॉरनर प्लेयर इसमें खेलेंगे। इनसे क्या होगा, भारतीय खिलाड़ियों को बहुत हेल्प मिलेगी और जो बच्चे इस गेम में अंदर आना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं फ्यूचर में, उनका भी मोरल बहुत बूस्ट होगा और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ वो अपने कंधे से कंधे टकराएंगे, आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस और इंक्रीज होगी और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि हाल ही में थोड़े दिनों के बाद दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप है अर्जेंटीना में, जिसमें इंडियन टीम जा रही है। सो ये टूर्नामेंट उनकी जो हमारी प्रैक्टिस है और जो हमारे जो स्किल्स है उसको और अच्छा करेगी और हम उस पर आशा करते हैं कि हमारी इंडियन टीम इस बार फिर से गोल्ड मेडल जीत के होगा, क्योंकि इको स्पोर्ट्स को डेवलप करेगा राजस्थान में, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक राजस्थान में बहुत लिमिटेड लोग इसको पहचानते हैं, बच्चे तो बिल्कुल जानते नहीं, तो उन बच्चों तक इस खेल को लेके जाना, हर स्कूल स्तर पर इसको पहुँचाना, इस कोशिश के लिए। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।